ओके अब देखो, अब हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन वो एल्युमिनियम के फॉइल के पीस कर दिए छोटे अलग-अलग ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए बढ़ जाए। आज के बाद याद रखना जब भी कोई रिएक्शन कर रहे हो तो डायरेक्ट कंपाउंड डालने की जगह डायरेक्ट कोई भी चीज डालने की जगह आप उसके क्या कर देना छोटे छोटे टुकड़े जिससे आपकी रिएक्शन थोड़ा सा तेज होगी वरना वही रिएक्शन देखेंगे हमें टाइम लग जाएगा। अब ये दिख रही है बोलो और थोड़ा सा डालो आप देखना यार क्या होगा मुझे भी पता क्या होगा। इसके अंदर बबल निकल रहे हैं अब इसका रीजन आप लोग बताओगे क्यों नहीं निकल रहा रिएक्शन कर ही नहीं आए जबकि अगर इसी के अंदर मैं एक ही पॉइंट पे चलो हाँ इसी में डाली तो यहाँ पे रिएक्शन गलत हो रही है। हाँ डाल स्टार्ट हो बहुत हल्की सी हो रही है अब हम एक चीज जो मैं दिखाऊंगा तो अब इसको टाइम लगाएंगे अब लाइट ऑन हो जाएगा आगे बच्चे जितने बबल चाहिए उतने मैं भी इसलिए ऐसे कर रहा हूँ नीचे से करने पे वो सिर्फ एसिड गर्म होगा तेज हो जाएगी नीचे करूंगा तो बबल बहुत जल्दी काली हो जाएगी। देखो देखो सारे जो ऑयल पेपर थे वो कहाँ आ रहे हैं मगर रिएक्शन पास हो गई गर्म करने से रिएक्शन क्या होगी एक बात और याद रखना किसी भी चीज को गर्म करने से मगर याद रखना एरो के ऊपर जो भी लिखा जाएगा एरो के नीचे लिखा जाएगा वो होगा कैटलिस्ट। अभी देखा क्या किया निकलने उस टेम्परेचर को नीचे देना स्टार्ट किया धीरे धीरे एल्यूमिनियम का सारे फॉइल ऊपर आना स्टार्ट किया अभी भी सारे ऊपर आ रहे हैं और देखो सारे के सारे कहां इकट्ठे हुए हैं ऊपर एक पॉइंट पे एक दूसरे को बंद कर रहे हैं। तुम्हें पता है ये एक दूसरे के साथ क्या करेगा अगर ये ब्लॉक कर देगा तो धीरे धीरे अंदर इतनी गैस बनेगी कि ये धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा सारे के सारे क्योंकि एक लेयर की तरह हो जाएगा एटमोस्फेयर की लेयर की तरह। ठीक है तो ये रिएक्शन चलने देते क्या होगा क्या अभी भी करंटली कहाँ तक पहुँच गई थी और
किसी को कुछ भी देख रहा है, अगर मैंने गर्म करी तो गर्म छोड़ भी दी, अब ये अपने आप में गर्म होती जा रही है। मैंने कोई बात नहीं, हमारे खत्म देने चैप्टर देने का।